हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हमने यहाँ तक कर लिया था वेब वंडर वीमेन कैंपेन। नेक्स्ट देखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव, सेइंग इट विल गो ए लॉन्ग वे इन मेकिंग उड़ीसा 2.25 करोड़ वुमेन एम्पावर्ड एंड सेल्फ रिलायंट। आपको याद रखना है कि उज्ज्वला सैनिटरी नैपकिन, इसको धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू वेलफेयर इनिशिएटिव्स फॉर फार्मर्स, बोथ इनिशिएटिव्स आर पार्ट ऑफ कृषि कृषक बंधु स्कीम। तो आपको याद रखना है, ये अगर दिया जाए स्कीम तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया है लॉन्च। नेक्स्ट, और ये 1 जनवरी 2019 से ये इफेक्टिव है। अगला, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी लॉन्च दिस स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। ये आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है, और ये बहुत बार पूछा भी गया है अलग अलग एग्जाम्स में कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 ये कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, और ये अर्बन इंडिया के लिए है, ये भी आपको याद रखना है। ये न्यू दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया था, कभी कई बार जगह भी पूछ लेते हैं तो आपको याद रखना है ये भी। अगला है, HRD मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड 70-point ग्रेडिंग इंडेक्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफर्ड बाय स्टेट्स। ये आप देख सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है या मार्क कर दिया है बोल्ड से। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे HRD मिनिस्ट्री, आपको ये पता होना चाहिए कि HRD मिनिस्ट्री ने किया है। नेक्स्ट, PM मोदी इनॉग्रेटेड द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा इन मुंबई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मुंबई में इसको इनॉग्रेट किया है। इंडिया विल होस्ट द 14th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन। UNCCD का जो 14th सेशन होगा वो इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट, इंडिया गॉट इट्स लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये इंडिया का भी लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम अभी आया है केरला में, ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा तो। लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हब जो है वो केरला में है। अगला, इंडिया लॉन्गेस्ट 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस द सियांग रिवर। यह आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि जो लॉन्गेस्ट 300 मीटर सिंगल केबल स्टील जो सस्पेंशन ब्रिज है वो कौन से रिवर के ऊपर अभी रिसेंटली बना है। तो ये सियांग रिवर के ऊपर है, ये अभी इनॉग्रेट किया गया अरुणाचल प्रदेश के CM के द्वारा। अगला है, द 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये आपको याद रखना है, वो कई बार पूछते हैं कि 124th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो किससे रिलेटेड है। तो ये आपको याद रखना है, ये 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। नेक्स्ट, इसमें आपको मेनली वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये याद रखना है बिल कि 124th किससे रिलेटेड था। अगला है, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड जीवन संपर्क प्रोजेक्ट। ये जीवन संपर्क प्रोजेक्ट जो है ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ये इसमें इसका जो मकसद है, पार्टनरशिप विथ यूनिसेफ इंडिया टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इनिशिएटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसमें यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर ये अवेयरनेस फैलाएगी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो वेलफेयर इनिशिएटिव है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनको वो जनता तक पहुँचाएगी, और खास करके ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप PVTG जो होते हैं वो उन तक ये बताएगी उनको कि ये सब स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट, तेलंगाना गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉर्म ए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स टू सेव द बिग कैट पॉपुलेशन इन स्टेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश CM प्रेमा खांडू डिक्लेयर्ड पाक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये आपको याद रखना है कि पाक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर किया गया अरुणाचल प्रदेश के CM के द्वारा। तो ये पूछा जा सकता है कि स्टेट फेस्टिवल कौन सा है उनका। नेक्स्ट है, नासिक इन महाराष्ट्र विल बी द साइट ऑफ कंट्री सेकेंड डिफेंस इनोवेशन हब। पहला आपको पता होगा कि तमिलनाडु में था, अब दूसरा इसको नासिक में ओपन किया जा रहा है, सेकेंड डिफेंस इनोवेशन हब नासिक महाराष्ट्र में। MPCM लॉन्च्ड हिज गवर्नमेंट्स ₹50 करोड़ फार्म डेप्ट वेबर। ये आपको पता ही होगा, अभी न्यूज में भी चल रहा था काफी, ये जय किसान ऋण मुक्ति योजना उसका नाम है। कई लोग बार ये तो पता रहता है कि हाँ ऐसा डेप्ट वेबर स्कीम चलाया था, लेकिन वो स्कीम का नाम क्या था ये पूछा जा सकता है। तो यह भी याद रखिएगा, जय किसान ऋण मुक्ति योजना। अगला है, गुजरात बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द जनरल कैटेगरी। पहला स्टेट जो है EWS रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य ये गुजरात बना है।
अगला है पोलावरम प्रोजेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इंटर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बाय पोरिंग 32,100 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। 32,100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट को इन्होंने 24 घंटे के अंदर उन्होंने उसमें बना के डाला, तो ये अब तक है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम ऐड किया गया है पोलावरम प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट, सुमन कुमारी बिकेम द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू हैव अपॉइंटेड एज ए सिविल जज इन पाकिस्तान आफ्टर पासिंग एन एग्जामिनेशन। ये आपको याद रखना है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मेनली मुस्लिम डोमिनेटेड वो कंट्री है, तो इसमें अभी सुमन कुमारी जो है वो फर्स्ट हिंदू वुमेन बनी है जो कि सिविल जज बनी है आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम, तो ये पूछा जा सकता है। पूनम खेत्रपाल सिंह अपॉइंटेड एज रीजनल डायरेक्टर फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के रीजनल डायरेक्टर जो है वो पूनम खेत्रपाल सिंह को अपॉइंट किया गया है। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह इलेक्टेड एज न्यू मलेशिया किंग। ये आपको याद रखना है कि मलेशिया के जो न्यू किंग हैं वो सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह हैं। अगला है मेडागास्कर प्रेसिडेंट एंड्री रजोलिना स्वॉर्न इनटू ऑफिस। ये नए प्रेसिडेंट बने हैं मेडागास्कर के, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द स्वीडिश पार्लियामेंट अप्रूव स्टीफन लोफेन एज प्राइम मिनिस्टर फॉर ए सेकेंड फोर ईयर टर्म। स्वीडन के जो नए पार्लियामेंट है वो स्वीडन का जो पार्लियामेंट है स्टीफन लोफेन को प्राइम मिनिस्टर नया वो चुना है, 4 साल का टर्म होता है उनका। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड सीनियर आईपीएस ऑफिसर। आपको याद रखना प्रभात सिंह ये जो है इनको डायरेक्टर जनरल इन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। आईसीसी अभी रिसेंटली आईसीसी ने अनाउंस किया है मनु सोनी को बनाया गया है न्यू सीईओ। ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन हैज अपॉइंटेड सू सेंग चैंग एज प्राइम मिनिस्टर। ये सू सेंग चैंग आपको याद रखना है ये न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इनको चुना गया है ताइवान का। निकोलस मदुरो वाज स्वॉर्न इन फॉर अ सेकेंड टर्म एज वेनेजुएलन प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत अभी डिस्प्यूट में भी चल रहा है, अमेरिका इसके अगेंस्ट है, लेकिन आपको याद रखना है निकोलस मदुरो ये वेनेजुएला के न्यू प्रेसिडेंट है और सेकेंड टर्म के लिए इनको चुना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप जरूर याद रखिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वीरेंद्र प्रसाद बैस हैज बीन नेम्ड सेफ डे मिशन फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। आपको याद रखना है इनको सेफ डे मिशन चुना गया है वीरेंद्र प्रसाद को, ये इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट है। जैर बोल्सोनारो इनको ब्राजील का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, याद रखना है आपको। जस्टिस भास्करन को अभी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट इनको बनाया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि तेलंगाना के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट कौन है, तो ये आपको याद रखना है जस्टिस भास्करन। सौरभ कुमार अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। ये आपको याद रखना है कई बार पर्सन इन न्यूज वो पूछ देते हैं कि सौरभ कुमार अभी किस लिए न्यूज में थे, तो इनको अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड चेयरमैन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनको बनाया गया है। इन द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल केविन स्वीनी हैज रिजाइन मंथ आफ्टर डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस अनाउंस डिपार्चर। तो जेम्स मैटिस के रेजिग्नेशन के बाद अभी जो चीफ ऑफ स्टाफ थे रियर एडमिरल केविन स्वीनी इन्होंने भी रिजाइन किया है। मलेशियाज किंग मोहम्मद फाइव एबडिक्टेड आफ्टर 2 ईयर्स ऑन द थ्रोन। 2 साल के बाद ही इन्होंने उसको थ्रोन को छोड़ दिया, मतलब वो किंग के पद से वो हट गए। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप फिर भी याद रख सकते हैं। सिविल एविएशन सिक्योरिटी हेड एंड सीनियर आईपीएस ऑफिसर कुमार राजेश चंद्र अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का इनको हेड बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट जिम योंग किम मेड अ सरप्राइज अनाउंसमेंट दैट ही इज स्टेपिंग डाउन। ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट थे जिम योंग किम इन्होंने सरप्राइज अनाउंसमेंट किया कि वो छोड़ रहे हैं, वो पद को रिजाइन कर रहे हैं।
और ये 6 साल तक ये इस पोस्ट पे बने रहे थे, और वो 1 फरवरी से, वो 1 फरवरी के बाद वो रिजाइन करेंगे। प्रणव आर मेहता हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल सोलर काउंसिल। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कोई इंडियन जो है वो ग्लोबल सोलर काउंसिल का हेड बन रहा है। आपको नाम याद रखना है, प्रणव आर मेहता। नेपाल बैट्समैन रोहित पौडेल हैज बिकम द यंगेस्ट मेल क्रिकेटर टू स्कोर इंटरनेशनल 50। पहले रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का नाम था, अब ये रिकॉर्ड उनके नाम है, वो याद रखना है। स्पोर्ट्स सेक्शन में पूछा जा सकता है, द 2019 इंडोनेशियन मास्टर्स ऑफिशियली दाई हात्सु, इसको ऑफिशियली इसको दाई हात्सु के नाम से जाना जाता है इंडोनेशियन मास्टर्स को। ये भी साइना नेहवाल ने जीता है वीमेन सिंगल टाइटल में, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। मोहम्मद शमी बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू क्लेम 100 ओडीआई विकेट, याद रखना है आपको, इंडियन के लीग में वो फास्टेस्ट है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी भी अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान के पास है। नेक्स्ट, तमिलनाडु लैड जिस डी गुकेश बिकम द सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड, ये सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने वर्ल्ड में और यंगेस्ट इंडियन है टू अचीव द फीट एट 12 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 17 डेज। अर्लियर जो था ये आर प्रगनंदा के पास था ये रिकॉर्ड, ये अब डी गुकेश के पास है। एशियन कप गोल्ड मेडलिस्ट शकील अहमद जो कि एशिया कप के गोल्ड मेडलिस्ट थे, इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंडोर रोविंग में बाय कंप्लीटिंग 1 लाख मीटर, यानी कि वो 100 किलोमीटर हो गया एवं 40 ईयर्स कैटेगरी में कोलकाता में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र टॉप दी खेलो इंडिया मेडल टैली, आपको याद रखना है जो भी स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था उसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है टेबल को। अगला है गुड़गांव 8 ईयर ओल्ड कार्तिक सिंह हैज वॉन द अंडर 8 कैटेगरी एट द किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप, याद रखना है ये यूएस किड्स जो है, यूएस किड्स गोल्फ ये ऑर्गेनाइज करवाता है अंडर 8, तो इसमें कार्तिक सिंह ने, गुड़गांव के जो रहने वाले हैं उन्होंने जीता है। ये मलेशिया में हुआ था, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी आपको याद रखना है। बेंगलुरु रैप्टर्स हैव वॉन देयर फर्स्ट एवर प्रीमियर बैडमिंटन लीग, जो अब PBL नया शुरू हुआ है उसमें बेंगलुरु रैप्टर्स ने जीता है, इनका एक पहला खिताब है। 25 ईयर ओल्ड फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह बिकम द हाईएस्ट इंटरनेशनल विकेट टेकर, इन्होंने 78 विकेट लेके 2018 में हाईएस्ट इंटरनेशनल विकेट अक्रॉस फॉर्मेट्स मतलब टेस्ट हो वनडे हो या T20 सबको मिला के लिखा गया है। स्विट्जरलैंड रोजर फेडरर एंड बेलिंडा बेंसिक सिक्योर्ड विक्ट्री ओवर जर्मनीज एंजेला कर्वर एंड अलेक्जेंडर ज्वेरेव विद द हॉपमैन कप। ये हॉपमैन कप में इन्होंने रोजर फेडरर और बेलिंडा बेंसिक ने एंजेलिक कर्बर और अलेक्जेंडर जर्वेव को हरा के ये खिताब जीता है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर ग्यूसेप कॉन्टे अलोंग विथ यूएन रिप्रेजेंटेटिव लॉन्च्ड अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये अफ्रीका सेंटर ऑफ क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नया लॉन्च किया गया है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है किसके, यूएन रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके। इसका जो न्यू सेंटर है ये रोम में एस्टेब्लिश किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड सुगर केन जूस एज द नेशनल ड्रिंक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको आप छोड़ भी सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ द UAE एंड सऊदी अरेबिया लॉन्च्ड कॉमन डिजिटल करेंसी कॉल्ड अबेर, ये आपको याद रखना है, ये कॉमन डिजिटल करेंसी है इनका ये अबेर, ये आपस में ट्रांजेक्शन के लिए ये यूज करेंगे, ये ब्लॉकचेन के थ्रू ये पेमेंट करेंगे आपस में, तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, अबेर नाम है याद रखिएगा। वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो अनाउंस्ड हिज ब्रेकिंग ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद यूनाइटेड स्टेट्स, ये मैंने आपको पहले बताया था कि यूनाइटेड स्टेट के साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा है क्योंकि यूएसए नहीं चाहता है कि ये प्रेसिडेंट बने, तो इसलिए भाई इन्होंने यूएसए के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को ब्रेक किया है। नेक्स्ट, नेपाल सेंट्रल बैंक बैंड द यूज ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स ऑफ ₹2,000, ₹500 एंड ₹2,200 डिनोमिनेशन, आपको याद रखना, नेपाल सेंट्रल बैंक ने जो है अभी बैन कर दिया है ये सब नोट यूज करने के लिए नेपाल में, तो इससे इंडियन लोग जो वहाँ विजिट करते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है और वहाँ पे ज़्यादा तर ये नोट चलता है, इंडियन करेंसी चलता है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट थे। मैं बाकी के जो बचे हुए हैं अभी करंट अफेयर उसको मैं इसके नेक्स्ट वाले सीरीज में लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट पार्ट वेरी सुन,
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं